हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपत लाल नमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिवगुरु का अपमान होती है, शिवगुरु क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है, पुराने जमाने की बात है कि एक राजा थे और राजा साहब का 3 रानी थी, लेकिन फिर भी राजा साहब निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। राजा साहब संतान के कारण बड़े दुखी रहते थे। राजा साहब का एक एक दिन बीतना बड़ा मुश्किल का दिन था। राजा जो थे भगवान का भक्त थे, भगवान का सच्चे भक्त थे। जो राजा की रानी थी, रानी भी कुछ कम नहीं, भगवान के शरण में प्रतिदिन जाती थी, फूल चढ़ाती थी, दीपक जलाती थी, पूजा पाठ करती थी। राजा रानी सभी पूजा पाठ करते थे, लेकिन होने का कौन टालता है, राजा तो निसंतान ही थे। राजा के नगर में एक जादूगर थे, बंजारा। तो बंजारा जो थे, एक बंजारिन थी, बंजारिन का एक कन्या थी, बंजारिन जो थी उसका एक कन्या थी और बंजारिन का एक भाई था, वो जादूगर था। और बंजारिन की कन्या थी, बंजारिन थी, उसका पति जो थे, पति का देहांत हो गया था। बंजारिन को रात दिन सताए रहता था कि हे भगवान, मेरा बेटी का ब्याह कैसे होगा, मेरा का बेटी का ब्याह एक अच्छे घर घराना में हो जाता तो अच्छा था। बंजारिन का बेटी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर कि कहना नहीं। बंजारिन का बेटी जो थी एकदम देखने में अप्सरा जैसी लगती थी, उसका रूप तो अनमोल था, लोग देख के दीवाने हो जाते थे। एक दिन वो बंजारा जो था, बंजारिन का भाई, वो बंजारा जो था वो मांगते खाते राजा के द्वार पे गया। राजा को बारे में पता चला कि राजा को 3 पत्नी है, राजा निसंतान है। तो जादूगर सोचा कि यह राजा का शादी यदि अपना भांजी से करवा दें तो मेरा तो ऐसो आराम का जिंदगी बीतेगा, कभी मेरा दुख हो ही नहीं सकता है। अपना भांजी का विवाह हम अपना बहन से कह के राजघराने में करा दूं राजा से। अरे बस यही तो है, मेरा भांजी जो है 16 साल की है, राजा का उम्र हो गया 50 साल, तो क्या दिक्कत है, 85 साल के ना हैं, शादी कर देंगे, मेरा तो भांजी रानी बन जाएगी, मेरा जिंदगी ऐसो आराम का कटेगा। जो बंजारा था, बंजारा एकदम साधु का रूप, बड़े बड़े दाढ़ी मोछ बढ़ा लिया और राजा के द्वार पे गया एक सरंगी लेके, और जाके रोए रोए सरंगी बाबा बजाने लगा। सरंगी बजाने लगा तो जो रानी थी निकली, कहती है कि बाबा आप कौन हैं? तो अरे हम बाबा गोरखनाथ हैं, हम जिसको जो कहते हैं वही होता है, तुम्हारा राजा घर नहीं है? रानी बोली, महाराज वो तो राज दरबार में है, जल्दी बुलाओ नहीं तो श्राप दे देंगे और तेरा धन नष्ट हो जाएगा। बाबा कैसे? रानी तुरंत अकबक में बुलाई अपना पति को, राजा आए, बाबा क्या बात है? तो मैं बाबा गोरखनाथ हूँ, मुझे आदेश आया है तुम्हारे कुछ कहने के लिए।
राजा कहते हैं क्या, तो एक बंजारन है, विधवा बंजारन, उसका एक कन्या है, यदि उससे तुम विवाह कर लोगे तो तुम्हें संतान अवश्य होगा और नहीं तो तुम्हारा राज नष्ट हो जाएगा। राजा कहते हैं महाराज मैं इतनी बड़ी पाप कैसे कर सकता हूं, ओ बंजारन की बेटी कितनी बड़ी होगी, उसका उम्र क्या है, मेरा क्या है। जो बंजारा है, बंजारन की भाई, ओ पापी दुष्ट कहता है कि हे राजन यदि इनकार करोगे तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे। राजा हाथ जोड़ के विनती करके कहते हैं कि हे महाराज, हे स्वामीनाथ, मैं इस लड़की से शादी करने को लिए तैयार हूं। रानी जो है, तीनों रानी कहती है कि हे महाराज, हे महात्मा, आप ऐसा श्राप मत दीजिए, मैं उस लड़की को अपना स्वत बनाने के लिए तैयार हूं। जो बंजारिन थी, बंजारिन तो वन में थी, राजा उसके पास गए और जाकर कहते हैं कि रे तू अपना बेटी के हाथों मुझे सौंप दे। बंजारिन बड़ा खुश हो गई कि मेरा बेटी जो है रानी बन जाएगी, लेकिन वो कन्या नवजात 16 वर्ष की लड़की थी बंजारिन का, और रोने लगी और अपने माता से कहती है कि हे माँ, धन की लालच में तू मुझे राजा के हाथों मत सौंप, अरे यदि संतान होता तो मुझसे बड़ा बड़ा तो राजा का संतान रहता, तुम मुझसे और राजा की जोड़ी कैसे लगा दी। लेकिन बंजारी नहीं मानी, कहती है बेटी तू ही राजमहल की रानी बन जाओगी और तुम्हारा जिंदगी ऐसो आराम का जिंदगी कटेगा। कहते हैं दीदी कि गाय और बेटी बराबर मान सम्मान दी जाती है पहले के जमाने में, अब तो अच्छा है कि बेटी भी कहती है कि नहीं हम उससे नहीं करेंगे, आज ही अच्छा है, पहले तो अच्छा नहीं था। क्या हुआ कि दोनों का शादी हो गया, मंजारिन का बेटी का और राजा का। धीरे 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 समय बीतने लगा, 6 महीना बीत गया, साल भर बीत गया, लेकिन संतान नहीं हुआ। 2 साल बीत गया, संतान नहीं हुआ। 3 साल बीत गया, संतान नहीं हुआ। एक दिन राजा जो है उसी बंजारा से जाकर कहते हैं कि तूने तो एक जट्टे वाला साधु का वेश बना के मेरे कुटिया में, मेरे राजमहल पे गया और बोला कि लड़का होगा, तो आज मैं तेरा हाल क्या करूं। कहता है राजन मुझे गोरखनाथ से आदेश मिला था, इसीलिए आपका संतान अवश्य होगा, महाराज चिंता मत कीजिए, आपका संतान होगा। राजा चुप रहे क्योंकि बहुत प्यार करते थे उस लड़की से, चौथी रानी थी राजा की, बहुत प्यार करते थे, उसको रखने लगे। धीरे 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 एक दिन बंजारिन से बंजारिन का भाई बोला कि अरे बहन ऐसा करो, राजमहल में जाकर बोलो पहले बेटिया रानी का अपना घर ले आओ, उसके बाद राजमहल में जाकर बोलो कि राजा साहब मेरा बिटिया रानी जो है गर्भवती है। बंजारिन बोली कि इतना बड़ी बात हम कैसे झूठ बोल सकते हैं। कहते हैं वो बंजारा कहता है कि बहन ऐसा नहीं कहेगी तो पेट पे आफत आ जाएगा, इसलिए जाकर बोलो। बंजारिन अपना बेटी को ले आई, 15 से 20 दिन रखी, उसके बाद राजमहल में राज दरबार लगा हुआ था। राजा से जाकर कहती है महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। राजा कहते हैं क्या लड्डू और फूलों और बारिश बरसने लगा, जो बधाई हो तो हाँ, आप पिता बनने वाले हैं, मेरा बेटी माँ बनने वाली है। बंजारा इनका बात सुन के राजा बड़े खुश हो गए, तुरंत अपने सिपाहियों से कह के कुछ वस्त्र मंगवाए और गरीबों में दान दिए, कुछ अन्न दान किए।
राजा के खुशियाँ का तो ठिकाना नहीं रहा, अब राजा बड़े प्रसन्न हो गए। धीरे धीरे राजा दिन गिनने लगे, धीरे धीरे दिन गिनने लगे। 4 महीना बीता, 6 महीना बीता तो राजा अपने राजमहल में ले आए अपने कन्या को, अपने पत्नी को। बंजारिन कहती है कि राजा साहब, मैं अपना बेटी को अकेला नहीं छोड़ने वाली हूँ। आपका 3 रानी है, यदि मेरा बेटी को बच्चा जन्म लिया और आपका रानी मार देगी तो हम क्या करेंगे? राजा कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता है। तो नहीं राजा साहब, आपके पत्नियों पे मुझे भरोसा नहीं, सबत सबत होती है। राजा कहते हैं तो चलिए ठीक है, आप ही रहिए अपना बेटी के साथ। राजा अपना बेटी बंजारिन अपना बेटी के साथ रहने लगी। धीरे 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 9वां महीना बीता। जब 9वां महीना बीता तो बंजारिन कहती है कि राजा साहब, 9वां महीना बीत चुका है, मेरा बेटी का कब संतान जन्म लेगा कोई पता नहीं, इसीलिए मेरा बेटी को मेरे साथ जाने दीजिए। राजा कहते हैं नहीं, हम नहीं जाने देंगे। बंजारिन बोली, यदि मेरा बेटी का बच्चा मर गया तो हम सब परिवार को कटवा के गहवाड़े में भरवा देंगे। राजा डर के मारे अपना पत्नी को विदा कर दिए, बंजारिन लेकर चल गई। बंजारिन लेकर चल गई और कुछ दिन के बाद राजा के खबर सुनाई, राजा साहब आपका लड़का हुआ है, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख की बात है। राजा कहते हैं लड़का हुआ है तो क्या दुख की बात है? राजा साहब, पहले मुस्कुराहट आएगा उसके बाद आप उदास हो जाएंगे। राजा कहते हैं कि ठीक है, जल्दी से बोलो। बंजारिन बोली, राजा साहब आपको 22 वर्ष तक अपने राजकुमार को नहीं देखना है। राजा के आंखों से आंसू टपकने लगा, हे भगवान, मेरा 4थी रानी का तो संतान हुआ, उसमें भी मैं बंजारिन का बेटी से ब्याह किया हूं, और 22 वर्ष तक मैं कैसे, मेरा तो आयु अब बहुत कम बचा है, मेरा उम्र तो बहुत ज्यादा हो चुका है, ऐसा नहीं हो सकता है। राजा कहते हैं नहीं, हम अपने संतान को अवश्य देखेंगे। बंजारिन बोली, हे महाराज, आप अपने बेटा को और अपना पत्नी को, हम लोगों का सबको खर्चा मेरे पास भेजाते रहिए, और वो 22 साल के अंदर अपना बेटा के शादी भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर जो आपको बेटा को किसी का नजर पड़ गया तो छाया बन जाएगा, पुतला बन जाएगा, पुतला, काठ का पुतला बन जाएगा। कहते हैं राजा कि ऐसा तो, हाँ। राजा अब भाई सोचने लगे कि एक ही तो मेरा बेटा जन्म लिया है, उसको नहीं देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। धीरे 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 राजा समय बिताने लगे। 3 रानियां जो थी रोज पूछती थी, बाबू का समाचार मिला, बाबू का समाचार मिला, राजा हाँ कह देते थे। जो बंजारिन थी वो अपने पति के साथ जाया करती थी और पैसा अपना लूट पट के ले आती थी, मांग चांग के माँ के साथ बिताती थी। धीरे 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 राजा के बेटा का उमरिया 22 वर्ष का हो गया। अब बंजारिन कहती है कि राजा साहब, बेटा का तो 22 वर्ष पूरा होने वाला है, तो बेटा का ब्याह कर दीजिए। राजा जो है, राजा अपना बेटा के ब्याह के लिए बात फैला दिए। मंत्री जो है कहते हैं, अपना बेटा को देखे हैं राजा साहब? तो नहीं, अंधरा है, लंगड़ा है, बहरा है, गूंगा है, तो मुझे कोई पता नहीं, लेकिन राजा का बेटा राजा ही होगा। शादी तो सेट हो गया, बारात सज गया। जो बंजारिन है, बंजारिन के बेटी राजा से कहती है, ए राजा साहब,
बारात में हम भी जाएंगे, बारात में हम भी जाएंगे अपने बेटा के साथ, क्योंकि बेटा के 12-22 वर्ष अभी नहीं पूरा हुआ है। राजा कहते हैं कि तो ठीक है, जाइए। जब राजा जो हैं, राजा आदेश दे दिए, तो राजा की चौथी पत्नी और चौथी पत्नी की माँ, जो जिस डोली में दूल्हा बैठा था उसी डोली में बैठ गई। लेकिन दूल्हा तो एक कठपुतला था। चलते 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 पहले के जमाने में पैदल जाते थे बारात, तो शाम हो गया, रात हो गया। एक सुनसान जगह पे बराती रुक गया, बराती रुक गया तो एक बहुत बड़ा टीला था, और टीला में से नाग और नागिन दोनों निकला। लेकिन इच्छाधारी नाग और इच्छाधारी नागिन था। तो नाग और नागिन जो देखा कि सब बराती सोया हुआ है, और बारात डोली के पास दो लेडीज सोई हुई है, तो नागिन कहती है अपने नागराज से कि हे स्वामीनाथ, पूरे बारात में दो ही लेडीज है, इसका कारण क्या हो सकता है? और सब कोई सोया हुआ है लेकिन दूल्हा कहाँ है? तो जो नागराज है वो नागराज कहता है अपना पत्नी से कि हे सुंदरी, तुम नहीं जानती हो, ये दूल्हा नहीं, ये सर्प है, ये दूल्हा नहीं, काठ का कठपुतला है जो दूल्हा है, कोई दूल्हा नहीं है। राजा जो है भगवान का सच्चा भक्त है, और ये दोनों जो सोई हुए लुटेरिन है, धन के लालच में अपना बेटी का ब्याह राजा से कर दिया है, ऐशो आराम का जिंदगी बिता रही है। और राजा के बोलेगी कि राजा साहब, लगता है कोई बारात वाला दूल्हा के देख लिए तो दूल्हा कठपुतला बन गया, समझे, और राजा के मार देगा ये लोग, और सारा धन संपत्ति पर राज ये लोग करेगा कि मैं चौथी रानी हूँ राजा के, तो संपत्ति मेरा हुआ। जो नागिन है वो कहती है कि अच्छा, वो जो राजा जिनका तीन रानी है वही राजा के बात है, तो हाँ बहुत अच्छा राजा है, हम अपना रूप बदल बदल के राजा की यहाँ कितना बार गए हैं, राजमहल हमको बड़ी अच्छा लगता है देखने में, हम जाते हैं, एकदम सुंदर रानी बन जाते हैं, राजा की यहाँ घूम के चल आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। नागराज कहते हैं कि मैं भी तो गया हूँ राजा के घर, ए नागराज हमको बड़ी माया लगता है, बेचारी लड़कियां जो होगी जो पट फहरा के बैठी होगी कि मेरा बारात आ रहा है, अब बारात तो जाइए नहीं रहा है, तो नकली है। तो वो जो नागराज है वो कहता है कि तो क्या करूं, तो ऐसा कीजिए ना, ज्यादा नहीं 15 दिन के लिए आप अपना रूप बदल के और दूल्हा बन के चल जाइए, देखिए एक राजकुमारी का ब्याह सर्प से, और जाइए और जाके अब ब्याह करके 15 दिन हो जाएगा तो चल आइएगा। जो सर्प था वो अपना रूप बदल लिया और बदल के और डोली में बैठ गया। सवेरा हुआ तो जो बंजारिन थी वो सोचती है कि अब रोवेंगे चिल्लाएंगे, डोली के घूम पर्दा उघार के, ओहार उघार के, तो देखती है कि अरे एक दूल्हा बैठा हुआ है। तो बंजारिन चिल्लाने लगी कि डोली में तू कहाँ से आ गया, दूल्हा तो हम दूल्हा हैं, तुम नहीं जानती हो कि हम कहाँ से आ गए, तो असली दूल्हा कहाँ गया, लाओ असली दूल्हा को, जब हम नकली दूल्हा हैं। तो पूरा जोर जोर से चिल्लाने लगा कि देखिए भाई, ये कैसी है, मेरा नानी जो कहती है, मेरा माँ
कि तुम दूल्हा नहीं हो। सारा बरात वाले राजा साहब भी देखे अपना बेटा को एकदम चबाक के धर लिए गला से लग के और रोने लगे कि बेटा 22 साल आज हुआ तब देखें। कहते कि पिताजी आप नहीं जानते हैं, ये मेरी माँ और मेरी नानी मुझे मारना चाहती है। तो मारना चाहती है तो हाँ, कैसे बेटा? तो कहती है तुम दूल्हा नहीं हो, तो असली दूल्हा है उसी को लावे, कहाँ असली दूल्हा को ये लोग फेंक दी है, बुलाई मांगिए असली दूल्हा। राजा जो है कहते हैं कि मजाक कर रहे हैं इन लोग। बराती चल गया, ब्याह हो गया, ब्याह हो गया तो नागराज के साथ ब्याह हुआ लड़की के। लड़की दुल्हन बन के आ गई, लड़की दुल्हन बन के आ गई, सुहाग सेज हो गया। सुहाग रात, दूसरा रात, तीसरा रात, 15 दिन बीत गया, 5 दिन और नागिन कुछ नहीं बोली, 10 दिन और कुछ नहीं बोली, महीना दिन हो गया। नागिन आसपास देखती है कि आहा, मेरे पति नहीं लौटे। नागराज को जब याद आता है तब, अरे अब सर्पयोनी में क्या बनना, अब सर्पयोनी में मुझे नहीं बनना है, सर्पयोनी में बन के क्या करेंगे, एक राजकुमार बन के ऐसो आराम की जिंदगी बिताएंगे, एक राजा के धन संपत्ति मिल ही गया है, दिक्कत क्या है। क्या होता है कि नागिन जो है खिड़की के द्वारे से राजमहल में घुस गई, सेना सिपाही देख लिए, उसे लाठी से मार के कुचल दिए। जब लाठी से मार के कुचल दिए तो जो नागराज है नींद खुला, सवेरे निकला तो देखता है कि अरे 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 तो मेरा नागिन है। आंखों में उसका आंसू भर गया और राजा से कहता है कि पिताजी इस नागिन को आप मिट्टी में दबा दीजिए। नागिन के अंदर से आवाज निकलता है कि हे स्वामीनाथ, अच्छा नहीं किए, एक दिन हम बदला लेकर रहेंगे, आपकी जो रानी बन के रह रही है, आप राजकुमार बन के रह रहे हैं, तो एक दिन हम अवश्य आएंगे, अब आपको खींच कर लेकर जाएंगे। नागराज कहते हैं कि कभी नहीं। नागिन के मन से निकल रहा है कि हम मालिन बन के आएंगे। नाग कहते हैं कि मेरा पत्नी जो है फूल के माला कभी नहीं खरीदेगी, चुल्हारिन बन के आएगी तो कांच की चूड़िया वो नहीं पहनेगी, सिंदूर वाली बन के आएंगे तो सिंदूर नहीं लेगी। ठीक है, जब लेकर राजा उसे जाके मिट्टी में दबा दिए तो 4-6 महीना बीता तो नागिन जो है तो असली नागिन का प्राण नहीं जाता, मरता नहीं है। वो क्या की कि अपना एक चुलेरिन बन के भर डलवा चूड़ी लेके राजा के द्वार पर आ गई। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी पहन लो, चूड़ी पहन लो। जो राजकुमारी है राजा की बहू वो कहती है कि स्वामीनाथ चूड़ी हमको पहना दीजिए। ये जो राजकुमार है वो कहता है कि अरे पागल, ये चूड़ी मत पहनो, ये चूड़ी अच्छा नहीं, कांच की चूड़ी हाथ में पहनने से क्या होता है, नहीं पहनो, गड़ जाएगा, टूट जाएगा, उसको चला दिए, जाओ जाओ, कांच की चूड़िया नहीं पहनेगी। जाके राजकुमारी बोली कि ऐ मुझे चूड़ी नहीं पहनना, मेरे पति मना किए हैं। चुल्हारिन बोली कि ठीक है, तुम्हारे पति चूड़ी पहनने से मना किया है ना, तो अपना पति से पूछना कि तुम कौन जाती हो, कौन प्रजाति के हो, बताओ मुझे। बोले कि राजा हैं, तो नहीं, अपना पति से पूछना कौन प्रजाति हो, यदि तुम्हारा पति अपना पहचान बतला दिया तो कांच की चूड़िया मत पहनना, और नहीं बतलाया तो फिर आएंगे हम।
इतना कह के नागिन चल गई। रात्रि में रानी गई तो अपना पति से मुंह फेर ली, तो उसका पति कहते हैं कि किया में भैलो ए सुंदर माथा दारा दिया हो, आकिया भैलो सीरा बदंदाराद कौने कारण में सुंदर अमुख नाही बोलहु, अरे हमारा के देहु ना बताई। तो जो राजकुमारी है वो कहती है कि नहीं ओ में भई ले जी राजा आशीर्वाच करवा जी, अर नहीं भई ले बादा ना दाराद साचे में हलिया जी राजा आ हमारो बताई हाजी, हम पूछब दिलवा के बात जी। राजकुमार कहता है क्या, तो कहती है कि आप कौन प्रजाति है बताइए। अरे कौन प्रजाति, मनुष्य प्रजाति है, चुपचाप सुतो, अगर जो बता देंगे तो पछताएगी तुम, कौन प्रजाति हो कौन प्रजाति हो मत पूछो। राजकुमारी कहती है नहीं बताइए हमको कौन प्रजाति है, तो हम कोई प्रजाति रहे बता देंगे तो पछताएगी तू, जीवन भर पछताते रहेगी, क्या करे नहीं बताई। 10 दिन के बाद फिर नागिन आई फूल की गजला लेके, मालिन बनके, गजला ले लो गजला ले लो गजला ले लो गजला ले लो। राजकुमारी जी रोके पर थी, देखी तो नीचे आई, स्वामीनाथ मुझे गजला चाहिए गजला ले दीजिए। राजकुमार कहता अरे पगली, गजला भला कोई लगाने का चीज है, जो अच्छे रानी है वो कभी गजला नहीं लगाती, जाओ उससे बोल दो कि हम गजला नहीं लेंगे। जाके रानी राजकुमारी कहती है कि ए मालिन, मेरे पति गजला लेने से मना कर दिए हैं, मेरे दरवाजे से चली जाओ। मालिन बोली अरे बहन, तुम्हारा पति मना किए कौन प्रजाति के हैं, जरा पति से पूछ लेना तो, गजला लेने से मना किए हैं। फिर रात्रि में राजकुमारी कहती है अपना पति से, पूछने का जिद करती है, फिर से उसके पति बहुत प्यार से पूछते हैं, कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस अब कौन प्रजाति है हमको बता दीजिए। राजकुमार कहते हैं हे सुंदरी हे प्राण प्रिय, यदि मैं बता दूंगा अपने बारे में तो तुम पछताओगी, मत पूछो। नहीं स्वामीनाथ मुझे बता दीजिए, नहीं बताए। तीसरा दिन जो नागिन है दही लेके आई है एक स्त्री का रूप धारण करके, दही ले लो दही ले लो दही ले लो, दही मेरा बहुत सुंदर है, दही ले लो दही ले लो। जब दही दही की आवाज दी तो राजकुमारी कहती है स्वामीनाथ मुझे दही खाने का मन है। दही तो विष था, ये जो राजकुमारी के बात सुनकर राजकुमार सुना तो बोलता है कि अरे दही मत लो, जाके बोलो मुझे दही नहीं लेना है, उसे मना कर दो। राजकुमारी बोली हे बहन, मेरे पति दही लेने से मना कर दिए, जाओ मेरे दरवाजे से। जब दही ले दही वाली कहती है कि अरे तुम्हारे पति तो मना कर दिए हैं, लेकिन किस प्रजाति के तुम्हारे पति हैं, अपना पति से जरूर पूछना। बहन मेरे पति तो बतावे नहीं करते हैं, तो आज जिद करके पूछना, सीधा बोलना कि प्राण दे देंगे यदि नहीं बताइएगा तो।
और यदि तुम्हारा पति तुमसे छल किया तो तुमसे प्यार नहीं करता है। सच्चा प्यार करता होगा तो तुम्हें बताएगा। बोली ठीक है बहन, हम अवश्य पूछेंगे। नागिन जो है, नागिन चली गई, राजकुमारी रात में सोई, करवटिया धर ली। राजा जो है, राजा बड़े प्यार से सराह के पूछते हैं अपने पत्नी से और कहते हैं कि हे सुंदरी, तुम्हें बाजार से दही ला देंगे, क्यों रूठी पड़ी हो। रानी जो है, राजकुमारी कहती है, हे स्वामीनाथ, आप किस प्रजाति के हैं मुझे बता दीजिए, हम जानना चाहते हैं आप किस प्रजाति से हैं। राजा कहते हैं कि हम यहां नहीं बताएंगे, हम यहां नहीं बताएंगे, मेरे साथ आधी रात में तुम्हें जंगल में चलना होगा, सुनसान जगह में चलना होगा। जब लड़की बोली कि ठीक है स्वामीनाथ, हम तैयार हैं चलने के लिए, राजकुमार बोला पछताएगी जिंदगी भर। नहीं पछताएंगे महाराज, आपकी सच जानकर। ठीक है, राजकुमार अपना पत्नी को हाथ धर लिए, और वो तो नाग था, हाथ धर लिया और चलने लगा। चलते 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 सुनसान जगह पर आधी रात में चला गया। पत्नी कहती है, स्वामीनाथ बताइए किस प्रजाति का है। राजकुमार बोला, हे प्राण प्रिय, मैं अपना जान से भी ज्यादा तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारे कारण मैंने अपना पत्नी को त्याग कर दिया हूँ, अब तुम्हारा हाथ थाम के अब तुम्हारे साथ मैं रह गया हूँ। तेरा जो पिता है ससुर, मैं उसका पुत्र नहीं हूँ। जो तेरा सास है, मैं उसका बेटा नहीं हूँ। तुम्हारा चार सास है, मैं किसी का बेटा नहीं हूँ। मैं एक काला नाग हूँ, इच्छाधारी नाग। और इतना कह के और नाग बन गया और एक बियर में घुस गया, बिल में। अब जो पत्नी है वो बिल में क्या घुसेगी, वो तो घुस नहीं सकती है। अब रोने चिल्लाने लगी, तड़पने लगी, इधर उधर घूमने लगी। अब मेरे पति कहाँ चले गए, मेरे पति कहाँ चले गए, अब पागलों की तरह चिल्लाने लगी। सवेरा हुआ, राजा व्याकुल हो गए कि मेरा बहू नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा बहू नहीं, मेरा बेटा नहीं। सब परेशान हो गए, खोजते ढूंढते बहू तो मिल गई, बेटा नहीं मिला। बहू कहती है, पिताजी कुछ नहीं बोले थे, पता नहीं कैसे अचानक वो घर से निकल गए, मुझे समझ में नहीं आया। रोज रात के खा पी के सब सो जाते थे, तो बहू निकलती थी खोजने के लिए। खोजते एक दिन पूर्णिमा के दिन था, नदी के किनारे राजकुमारी खोजने चली गई, तो देखती है कि वहां पे बहुत सा लड़कियां हैं और बहुत सारे लड़का हैं, लेकिन एक का भी तन पे कोई गहना सिंगार नहीं। ये जो लड़की है राजकुमारी, ये तो बहू थी राजा की, सबके बिना सिंगार के, बिना सिंदूर के देखती है, तो कहती है कि बहन तुम इतनी सारी हो, तुम्हारे लीलार पे बिंदिया नहीं है, तुम्हारे कलाइया में चूड़िया नहीं है, तेरे पाँव में पायल नहीं है, आखिर तुम किस प्रजाति के हो। तो वो सब लड़कियां कहती है कि तुम किस प्रजाति की हो, तो मैं तो मनुष्य हूँ, मेरे पति जी एक सर्प बन के खो गए हैं, उन्हीं को खोजते हैं। बहन यदि आज मेरे पति नहीं मिलेंगे, आज 6 महीना हो गया है, तो आज मैं जी जान धो के आई हूँ कि इस नदी में प्राण को त्याग दूंगा। वो सारी जो लड़कियां थी वो नागिन थी,
नागिन थी, वो कहती है कि बहन तूने अपना पति को पहचान लेगी, तेरा पति तो सर्प है, तू अपना पति के पहचान लेगी। कहती है कि बहन करोड़ों के बीच में हम अपना पति को पहचान लेंगे। नागिन बोली कि करोड़ों के बीच में तू पहचान लेगी बहन, तो हम तुम्हारा पति को मिलवा देंगे और उसे मनुष्य तन में बदलने के लिए हम मजबूर कर देंगे। सारी नागिन जो लड़की है, लड़की सब मिलके उसे ले गई जहां नागराज रहते थे, नाग लोक ले गई। नाग लोक में खाली नाग है, नाग लोक में खाली नाग है। ये क्या की थी कि अपना पति को नाखून काटती थी, हाथ कट गया था उंगली तो उसका पति का पोछ कट गया था। सारी नाग को ये घूम घूम के देखने लगी, देखते 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 एक का थोड़ा सा पोछ में खरोच है, अपना नाग को पकड़ ली। कहती है बहन ये मेरे पति है। नहीं बहन झूठ बोलती हो। नहीं बहन ये मेरे पति हैं, हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। नागिन का बात तो हार हो चुका था, जो राजकुमारी थी वो सच्चे भगवान के शिष्य थी, सेवक थी। नागिन बोली कि हे बहन ये तो नागराज के पुत्र हैं, जाके नागराज से अर्जी लगाओ तब तुम्हें ये प्राप्त होवेंगे। ये तो अपना मर्जी से चले गए थे तुम्हारे पास। नागराज से जाके अर्जी लगाती है, कहती है फोरे भई की फोरे भेजी नागदेव हाथ शंखा चूड़िया जी, मिटवे जी नागदेव मांग के से दूरवाजी, तेजी ओ में देवे जी नागदेव अपनी जे प्रणमाजी, अरे रही जई लोग आवाज़ देखी मोरा अमर है तनमाजी, अलोगवाना कहै कुलाछन जी, कवने का सुरवा नागदेव हमारा से भयला जी, अरे देहू ना हमरो माफ करी। नागराज जो नागराज हैं नागराज का बदन कांपने लगा, थर थर सिंहासन डोलने लगा। नागराज कहते हैं पुत्री बर मांगो, जो मांगेगी हम तुम्हारा पूरा करेंगे। राजकुमारी बोली हे महाराज मेरे ये पति हैं, मैं नहीं जानती हूँ ये कौन थे, लेकिन मेरा मांग में सिंदूर भरे हैं, मेरे जीवन साथी बने हैं, इसलिए इनको मुझे दे दीजिए, मैं इनको लेकर अपना घर जाऊंगी। 6 महीने से मैं भटक रही हूँ, नागराज है इन मस्तु बोल के, और उसे मनुष्य रूप पूरे जीवन भर के लिए बना दिए। अपना श्राप से पूरे नाग का उसका योनि खत्म कर दिए और मनुष्य बना के और राजकुमारी के साथ पृथ्वी पर भेज दिए। जाओ पुत्री इसके साथ युगो युग तक तुम साथ रहना और खुश रहना, जाओ ये तुम्हारा पति है, राजा का पुत्र और तुम्हारा पति, जाओ लेकर इसे हाथ पकड़ के जाओ। जब राजकुमारी अपने पति को हाथ पकड़ के वहाँ से चलने लगी, अपना घर आई, सवेरा हुआ तो राजा रानी देखते हैं कि मेरा बहू और बेटा दोनों आ गया,
बेटा कहाँ चला गया था? बहू कहाँ चल जाती थी रोज के रोज? इन्हें तो कई दिनों से पता नहीं रहता था तुम कहाँ गई थी। सारी बातें बताई। जब सारी बातें बताई तो राजा जो हैं बंजारन के कहते हैं कि चलो चाहे जिस रूप से भी मेरे घर में तू लक्ष्मी बन के आई और मेरे घर में खुशियाँ लाई हो, लेकिन ऐसा धोखा किसी को नहीं देना चाहिए। पता नहीं तुम्हें तो मुझे क्षमा कर देने का मन करता है और मैंने तुम्हें क्षमा किया हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा तो खुशी मेरा बहू पे है कि जीवन भर के लिए मेरे बेटा को ले आया है। इतना कह के बहू बेटा को स्वागत करके अंदर ले गए और सुखी जीवन बिताए। उसके साथ साथ युगो युग तक साथ में राजकुमार राजकुमारी रहे। बेटा बेटी पोता पोती से भंडार भर गया। तो हे भोलेनाथ, जैसे राजा को न संतान होते हुए संतानवान बना दिए, उसी तरह किसी को भी दुखी मत कीजिए। जो संतान वाले हैं उसको और खुश रखिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। आप मेरा कथा सुन सके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री गुरु जरूर लिखें। धन्यवाद। हर हर महादेव। घर घर महादेव।